लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में आज हम NISM इक्विटी सीरीज का फोर्थ चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में देखा कि वहां पे क्या होता है कि एक कमिटमेंट रहती है बाई और सेल करने की, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को बाई और सेल करना है, ये डिसाइड करने में अभी सोचने का वक्त चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उसी के लिए प्रोडक्ट है ऑप्शन। डिपेंडिंग ऑन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन वो है, उसके बेसिस पे बायर को हमेशा राइट टू बाई या सेल मिलता है डिपेंडिंग ऑन कॉल या पुट, बट उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उसको बाई करना ही पड़ेगा या उसको सेल करना ही पड़ेगा। अब बुक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर कंसेप्चुअली समझाऊंगा, प्रोडक्ट के हिसाब से समझाऊंगा, सो दैट आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो एज सीन इन अर्लियर सेक्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कमिटमेंट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एंड हैज अ लीनियर पे ऑफ विच इंडिकेट अल्टीमेट लॉसेस एंड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड या फ्यूचर में आपका अनलिमिटेड पे ऑफ चलता है और आपका जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन किस लेवल तक जा सकता है आपका प्राइस, उसके ऊपर उसके लॉस या प्रॉफिट डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपसाइड को रैली करते हैं और अपना लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि एक ऑप्शन का एक प्रोडक्ट उसके संग ऐड कर लेते हैं फ्यूचर के संग एज ए हेज टू द फ्यूचर, और उसके बाद क्या होता है उनकी जो प्रॉफिट का लिमिट होता है ना वो बढ़ा लेते हैं और लॉसेस को लिमिटेड कर लेते हैं। ये कैसे होता है, ये हम प्रोडक्ट जब अभी समझेंगे थोड़ा देर में तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी डेफिनेशन बुक की जो लिखी हुई है उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट। यहाँ स्टेटेड डेट मतलब क्या है, एक्सपायरी डेट एट ए स्टेटेड प्राइस, यानी कि जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस चूज करी है उसके बेसिस पे आपका अंडरलाइंग जिस दिन एक्सपायरी होगी उस बेसिस पे सेटल होगा, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस। फॉर ए प्राइस इज बेसिकली प्रीमियम ओवर ईयर, बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, सेलर को प्रीमियम आता है। द पार्टी टेकिंग लॉन्ग पोजिशन मतलब जो बाई कर रहा है, वेदर इट इज कॉल और पुट, इज कॉल्ड ऑप्शन बायर, ठीक है, एंड पार्टी टेकिंग शॉर्ट पोजिशन इज कॉल्ड ऑप्शन सेलर। एंड ऑप्शन बायर हैज राइट बट नो ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड्स टू बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग यानी कि कॉल या पुट दोनों हो सकता है उसमें, दे हैव नो ऑब्लिगेशन टू बाई द अंडरलाइन, व्हाइल द ऑप्शन राइटर हैज द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो सेलर है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि अगर बायर बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए ही, तो उसको देना पड़ेगा या फिर उसको बेचना ही है तो ऑप्शन राइटर को लेना पड़ेगा। देयरफॉर ऑप्शन बायर विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ओनली व्हेन सिचुएशन इज फेवरेबल टू हिम। मतलब कि ऑप्शन बायर कब ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, जब सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल हो, जब उसको प्रॉफिट आने के चांसेस हो तभी वो एक्सरसाइज करेगा। और जब वो एक्सरसाइज करने का ऐसा सोचेगा तो ऑप्शन राइटर्स का ऑब्लिगेशन है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे और जो भी उसकी मतलब वो बाई करना चाहता है तो उसको प्रोडक्ट दें और सेल करना चाहता है तो उसकी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। ऑप्शंस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं इनका प्रोडक्ट के हिसाब से इनको समझा देता हूँ सो दैट आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिले। तो ये देखिए, या तो मार्केट बियरिश हो सकता है मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, या मार्केट बुलिश हो सकता है या कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। पुट बायर, अगर पुट है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, पुट में जो बाई करता है उसका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। और कॉल सेलर, जो सेलर है अगर मार्केट नीचे जाता जाएगा ना तो कॉल की वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो सेल करेगा वो चाहेगा कि हाई प्राइस पे सेल करे और कम प्राइस पे खरीदे। अब पुट बायर क्या है, अगर मार्केट नीचे जाते जाएगा तो पुट की प्राइसेस बढ़ती जाएगी, तो हर बायर का एम क्या होता है कि जब प्राइसेस नीचे जाए तो हर बायर का एम यही होता है ना कि जब प्राइसेस ऊपर जाए तो उसको प्रॉफिट हो, राइट। तो पुट की वैल्यू कब बढ़ती है, पुट की वैल्यू मार्केट नीचे जाने से बढ़ती है, तो जब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू जिसने जितने में उसने खरीदी है वो वैल्यूज ऊपर जाने लगेंगे तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कॉल में क्या होता है, कॉल बोलता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो कॉल अगर बायर है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा। जब पुट सेलर जो रहता है,
मान लीजिए आपने 100 रुपये कोई चीज बेची, आपको वो 100 फिर वापस खरीदना है, तो आप चाहोगे ना कि वो 20 रुपये में खरीदे ताकि आपको 80 रुपये का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाए। मार्केट जब ऊपर जाते रहेगा तो पुट की वैल्यू कम होती रहेगी, तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट नीचे जाने में, कॉल की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट ऊपर जाने में। उसी कारण ये बायर सेलर मैकेनिज्म बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेयरिश मार्केट में पुट बायर और कॉल सेलर्स को प्रॉफिट होता है, और बुलिश मार्केट में पुट सेलर को और कॉल बायर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, लोग अपने व्यू के हिसाब से पोजीशन लेते हैं। अब चलते हैं अपने बुक पे वापस। ठीक है, ऑप्शन विच गिव्स बायर एंड राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। ऑप्शन विच गिव्स बायर राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, मतलब कि आपको बेचने मिल रहा है तो आपको पुट ऑप्शन आपका है, और अगर आपको बाई करने मिल रहा है, मतलब राइट आपको मिल रहा है वैसा, तो आपको आप बोलोगे उसको कॉल ऑप्शन। अब ऑप्शन की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। ये लोगों ने एग्जांपल जो दिया है, कोट फॉर निफ्टी कॉल ऑप्शन एज ऑन मार्च 7, 2018। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था फ्यूचर्स के चैप्टर में कि आपकी एक्सपायरी हमेशा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। यहाँ पे जो देख के लग रहा है कि मार्च 28 इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट क्या है, निफ्टी 50 है। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, ऑप्शन इंडेक्स। इंडिया में मैंने इंडिया में हमेशा यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होता है, अमेरिकन ऑप्शन इंडिया में है नहीं, तो वेदर इट इज कमोडिटी ऑप्शन और इक्विटी ऑप्शन, इट इज ऑलवेज एन यूरोपियन ऑप्शन इन इंडिया। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो भी बायर है उसने कितने का लिया है, उसने लिया है 10,000 का, और इसका ओपन प्राइस क्या है, 271.95। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ बिगिनिंग ऑफ द डे में ट्रेड होना, तो इतने रुपए पे ओपन हुआ, हाई इसने लगाया 310 का, लो इसने लगाया 233 का, क्लोज हुआ 245 पे। ट्रेडेड वॉल्यूम दे दिया इसने, ओपन इंटरेस्ट दे दिया, ओपन इंटरेस्ट हमने फ्यूचर्स चैप्टर में डिस्कस किया ही था। अंडरलाइंग वैल्यू 1,154। अब बताइए 10,000 स्ट्राइक प्राइस का आपने ऑप्शन लिया है, राइट, अंडरलाइंग वैल्यू है 10,154, यानी कि 245 रुपये पे क्लोज हुई है मार्केट, और आपका स्ट्राइक प्राइस 10,000 का है, तो इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू आ रही है 10,154 माइनस 10,000, तो 154 रुपीज़ इंट्रेंसिक वैल्यू आ रही है, और ये क्लोजिंग प्राइस जो है ये आपकी आ रही है 240 रुपीज़, जो कि आप समझ लीजिए कि 90 रुपीज़ इसमें टाइम वैल्यू आ रहा है। ये सब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और ये पुट ऑप्शन का इन लोगों ने कोड दिया है सिमिलर वे में। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, फिर कैसे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, कैसे क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। इंडेक्स ऑप्शन देखिए, ये बेसिकली इंडेक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनके ऊपर ये ऑप्शन होता है। निफ्टी सेंसेक्स यहाँ दिया है, बट बैंक निफ्टी के ऑप्शन यहाँ चलते हैं, अभी फ्यून निफ्टी का भी ऑप्शन है। स्टॉक ऑप्शन, दीज ऑप्शन हैव इंडिविजुअल स्टॉक्स एज अंडरलाइंग, मतलब मान लीजिए किसी ने ITC का ही ऑप्शन ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया ITC का ऑप्शन उसके लिए वहां पे। बायर ऑफ एन ऑप्शन, जिसमें हमने बताया कि या तो कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हो या पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हो, तो राइट टू बाई बट नॉट ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट टू बाई होगा आपके कॉल के केस में, राइट टू सेल होगा आपके पुट के केस में। फॉर ओनिंग दिस राइट ही पेज टू द सेलर ए ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम बायर पे करता है एंड सेलर को ऑप्शन प्रीमियम मिलता है। राइटर ऑफ द ऑप्शन, राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु रिसीव्स द ऑप्शन प्रीमियम। ये जो प्रीमियम बायर पे कर रहा है, राइटर को ये ऑप्शन प्रीमियम मिलता है, एंड ये बेसिकली इनकी ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी वो बाय या सेल करने आएगा आपका बायर, तो आपको ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। अमेरिकन ऑप्शन, देखिए अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज ऑन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर द एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी की कभी भी पहले आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज होता है, उसके पहले वो एक्सरसाइज नहीं होता है। तो ये दोनों में अंडरलाइंग डिफरेंस है। ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम, देखिए ऊपर में जो हमने कोड देखा उसमें 245.05 जो था वो ऑप्शन की प्राइस थी कॉल के लिए, और 80.040 पुट की ऑप्शन प्राइस थी। ठीक है, प्रीमियम ट्रेडेड इज फॉर सिंगल यूनिट ऑफ निफ्टी, मतलब ये जो है ये एक
निफ्टी का यूनिट है, और टोटल प्रीमियम निकालने के लिए इसको इंटू मल्टीप्लाई इंटू लॉट साइज करना पड़ता है। तो मान लीजिए निफ्टी का भी लॉट साइज 75 है, तो 245 इंटू 75 आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 80 इंटू 75 मल्टीप्लाई करना होगा, गोइंग फॉरवर्ड वो 50 होने वाला है ऑप्शन। निफ्टी में इंडेक्स साइज अब 50 हो जाएगा। सो ये लॉट साइज जो है यहाँ पे इन लोगों ने 75 लिखा भी है, उस दिन में ये 50 हो जाएगा। सो लॉट साइज आपको जनरली दे दिया रहेगा, या फिर निफ्टी का याद रखिएगा, निफ्टी का ये 75, बैंक निफ्टी का ये 25 आज के डेट में, बट गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी का 50 होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम, कॉल ऑप्शन प्रीमियम कितना निकल रहा है, 275 इंटू 75 18,378, और पुट ऑप्शन कितना निकल रहा है, 6,030। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट हमने क्या बताया था, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, तो वही हो रहा है यहाँ पे 29 मार्च है, उस दिन हॉलीडे है, इसलिए 28 मार्च को एक्सपायर हो रही है ऑप्शन, ठीक है। स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट उस दिन जो लेवल पे क्लोज हुआ था, 10,154 पे स्पॉट लेवल क्लोज हुए थे, वो हो गया स्पॉट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या था, या स्ट्राइक प्राइस, जितने का आपने स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लिया था, यहाँ पे 10,000 का ऑप्शन लिया गया है। इन द मनी ऑप्शन, यानी कि आज अगर एक्सपायरी हो जाए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक्सपायरी हो जाए, तो जिनको पैसे आएंगे वो हो गए इन द मनी, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और पुट ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी ऑप्शन वुड लीड टू जीरो कैश फ्लो, ठीक है, यानी कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपायर हो जाए ना, तो मार्केट उसी लेवल पे। आउट ऑफ द मनी इज वन विद द स्ट्राइक प्राइस वर्स देन द स्पॉट प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ द ऑप्शन। बेसिकली क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी वो ऑप्शन हो गए जिसकी वैल्यू अब जीरो ही होनी है, और वो ऑप्शन सेलर ऑप्शन वाले को डायरेक्टली नेगेटिव रिटर्न ही देने वाला है, वो कोई पॉजिटिव देगा नहीं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको, अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम डिफाइंड अबव कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको जो मेरी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन का पीपीटी है ना, उसमें लेके चलता हूँ, वहां पे आपको इसको बेटर समझा पाऊंगा मैं। तो एट द मनी, इन द मनी सब मैं वहां पे समझाता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वहीं पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस विच विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन एन एक्सपायरी डेट, ठीक है, मतलब जिस दिन एक्सपायरी होगी आपकी जो स्ट्राइक प्राइस थी उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है। एट द मनी क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस इज क्लोज टू द अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी है 14,375 का, ये हमारे एग्जांपल में जिस दिन का स्क्रीनशॉट ये लिया हुआ है 14,375 का, 14,375 से देखिए आप एट द मनी क्या बन रहा है, 14,350 एंड 14,400, ये दोनों एट द मनी बन रहे हैं, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी, ठीक है। ये जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारे इन द मनी है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मार्केट आज भी एक्सपायर होगा तो जो भी इसका बायर था, इसको 152 रुपीज आएंगे, इसको 179 आएंगे, इसको 213 आएंगे, इसको 247 आएंगे, इसको 282, इसको 326, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्ट्राइक प्राइस इसको है, और जितना वो बाहर जाते जाएगा उतना उसका कैश फ्लो गिरते जा रहा है, आप देखिए, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन तो इसमें ही खाली प्रीमियम बचेगा, यहां तो जीरो हो जाएगा पूरा। पुट ऑप्शन में भी सेम केस होगा, पुट ऑप्शन में नीचे के साइड वाले सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, ऊपर वाले सारे इन द मनी हो जाएंगे। जैसा हमने बताया था कि कॉल ऑप्शन में कॉल बायर ये चाहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, देखिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एट द मनी वाले लेवल से जितने कॉल ऑप्शन नीचे होंगे सब में कुछ प्रीमियम रहेगा, इसके ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी है। और एट द मनी पुट ऑप्शन में जितने भी, ठीक है, जितने भी जिस लेवल पे आपका एक्सपायरी हो रहा है उसके नीचे वाले जितने हैं सब आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, बिकॉज आपने क्या सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट अब मार्केट एक्सपायरी हो गई, पता चल गया कि वो किस लेवल पे है, उसके नीचे वो नहीं जाने वाला है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा हमेशा, इन द मनी मतलब आपको कुछ पैसे आने वाले हैं, एट द मनी मतलब या तो जीरो आएगा या फिर थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा, आउट ऑफ द मनी मतलब सीधा आपका ऑप्शन का वैल्यू जीरो हो गया है, ठीक है। पुट में भी सेम केस, बट पुट में बस ये ध्यान रखिएगा कि पुट में बाजार नीचे जाता है तो पुट की वैल्यू बढ़ती है, और कॉल में बाजार ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस। अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी हो जाती है और किसी के 14,700 का कॉल ऑप्शन है, बाजार 14,600 पे भी जाके एक्सपायर होता है ना,
तो ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू जीरो ही होने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इंट्रेंसिक वैल्यू देख लेते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इसको मैं हमेशा एक चिप्स और पैकेट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब क्या है, अगर आज ही एक्सपायरी हो जाए, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा उसमें 254 रुपीज ऑप्शन का प्रीमियम था, हाँ, और मार्केट स्पॉट मार्केट चल रहा था 10,154, तो अगर उसी दिन एक्सपायरी हो जाएगी तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू आ जाएगा 154 रुपीज, वो हो गया उसका इंट्रेंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या हो गया, ये जो वहां पे 7th को हम डेट देख रहे थे, 28th की एक्सपायरी थी, तो बीच में ये जो 20 दिन का गैप है ना, उसके कारण एक टाइम वैल्यू फैक्टर है वहां पे, इसीलिए ऑप्शन का प्राइस वहां 245 चल रहा था, जबकि मार्केट में 1,154 आपका स्पॉट लेवल थे, वहां पे 90 रुपये आपका टाइम वैल्यू था, ठीक है। और मोर द टाइम हायर द प्रीमियम, ये लॉजिक होता है, और हायर द वॉलिटिलिटी हायर द प्रीमियम, वॉलिटिलिटी का भी कॉम्पोनेंट होता है। अब इसको चिप्स और पैकेट के एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, देखिए चिप्स के पैकेट को जब आप खोलते हो उसमें क्या निकलता है, 70% हवा निकलता है और 30% रह जाता है चिप्स, ठीक है। तो चिप्स हो गया आपका इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू हो गया आपका हवा, जिसको हम धोखा भी बोल सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी कॉल ऑप्शन लेते हो, वो एक्सपायरी के दिन जब जाता है, एक्सपायरी इन द सेंस जिस दिन आप पैकेट खोल रहे हो, जैसे ही आप पैकेट खोलते हो तो क्या बचता है, सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू बचता है, मतलब सिर्फ चिप्स बचता है, हवा तो खत्म हो जाता है, वही हो गया कि जिस दिन आप चिप्स खोलोगे टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने टाइम वैल्यू फिर बताया है, टाइम वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम एंड द इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब जो हमने एग्जाम्पल देखा तो 254 रुपीज ऊपर में आपका आया था कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, और वहां पे स्पॉट लेवल पे 10,154 चला था, मतलब 154 होना चाहिए था इंट्रेंसिक वैल्यू, तो जो बच गया बीच का डिफरेंस 90 रुपीज, वो हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हायर द टाइम, यहाँ पे जो हमने बताया हायर द टाइम हायर द प्रीमियम, वहां पे 20 दिन टाइम था इसलिए 90 रुपए प्रीमियम है, अगर ये एक साल टाइम रहेगा तो प्रीमियम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, देखिए ओपन इंटरेस्ट जैसा हमने फ्यूचर्स में देखा तो वही चीज है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन इन द मार्केट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, देखिए हमारे यहाँ यूरोपियन ऑप्शन चलता है, अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, किसी भी दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ यूरोपियन ऑप्शन चलता है, तो यूरोपियन ऑप्शन में क्या है, ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज होगा। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन, देखिए जैसे मान लीजिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे वो टेक्निकली एक एक दूसरे, मतलब अगर मान लीजिए 10 किसी ने 10 ऑप्शन सेल करके रखे थे, ठीक है, और 5 बायर हैं दो दो करके, तो वो पांचों में असाइन किया जाएगा एक ही, मतलब वो पांचों बायर्स को एक ही सेलर असाइन किया जाएगा, ये लॉजिक हो गया ऑर्डर मैचिंग का, ठीक है। पे ऑफ चार्ट एंड ऑफ एन ऑप्शन, लॉन्ग ऑन ऑप्शन, बायर ऑफ एन ऑप्शन इज कॉल्ड लॉन्ग ऑन ऑप्शन, मतलब हमेशा बायर को लॉन्ग बोलते हैं, सेलर को शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, यानी कि अगर आपका कॉल ऑप्शन है तो राइट टू बाई है, पुट ऑप्शन है तो राइट टू सेल है। योर पोटेंशियल इज, पोटेंशियल लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट पेड, आपने जो पे किया है वही अमाउंट तक आपका लॉस लिमिटेड है, आप लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अंडरलाइंग एसेट डिपेंडिंग ऑन आपका मूवमेंट, अगर कॉल ऑप्शन तो जितना ऊपर जाते जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, पुट ऑप्शन तो जितना नीचे जाते जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट ऑन ऑप्शन, देखिए अगेन सेम चीज, आपने सेलर सेल करके रखा है ऑप्शन को, तो सेलर ऑफ द ऑप्शन को क्या होता है, सेलर ऑफ द ऑप्शन को ऑब्लिगेशन होता है कि कोई अगर आया कि भाई हमको एक्सरसाइज करना ही है, तो उसको आपको अगर वो बाई करना चाहता है तो आपको सेल करना पड़ेगा, और वो सेल करना चाहता है तो आपको बाई करना पड़ेगा, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, प्रीमियम रिसीव्ड होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन आपको एक्सरसाइज हो, मतलब साइन होगा, वो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, और आपका पोटेंशियल लॉस थियोरिटिकली अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना एडवर्स जाता जाएगा उतना लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, और एक एक्सपायरी में एक लॉस का लिमिटेशन ही होता है, उससे ज्यादा लिमिट होता नहीं है। अब लॉन्ग कॉल, ठीक है, ये यहां से ना समझ के ना, ये जो हमने एग्जांपल दिया था ना इसमें आप समझिए, ठीक है। लॉन्ग कॉल मतलब कॉल बायर, ठीक है, इसको क्या होगा, इसका मार्केट ऊपर जाने से इसको प्रॉफिट होगा। अब यहां पे ऑन मार्च 1 निफ्टी इज एट 10,460, यू बाय अ कॉल ऑप्शन ऑफ 10,500, ठीक है,
आपने एक टिक ऊपर का, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का खरीद लिया, प्रीमियम आपने पे किया 115, ऑन एक्सपायरी है 28 मार्च का। कॉल ऑप्शन गिव्स अ बायर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एट द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो इन दिस एग्जाम्पल यू हैव राइट टू बाई एट 10,500, मतलब आप 10,500 पे खरीद सकते हैं। यू मे बाई और नॉट बाई, देर इज नो कंपल्शन। इफ निफ्टी क्लोजेज अबव 10,500 एट द एक्सपायरी, यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन और एल्स यू विल लेट इट एक्सपायर। क्योंकि क्या होगा कि अगर 500 के 10,500 के नीचे एक्सपायर होता है तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू तो ऐसे ही जीरो हो जानी है, तो आप क्या एक्सरसाइज करोगे। बट अगर मान लीजिए यही 10,600 पे जाके एक्सपायर होता है तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये आएगी, तो आप 100 रुपये तो एटलीस्ट लेना चाहोगे ना, तो इसलिए आप वहां पे वो करोगे, एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल यू दिया, इफ निफ्टी क्लोजेज एट 10,400 यू विल नॉट रिसीव, नॉट एक्सरसाइज द राइट टू बाई बिकॉज अंडरलाइन इज अवेलेबल एट द मार्केट एट ए चीपर प्राइस। अगर मार्केट में 10,400 मिल रहा है तो आप भाई 10,500 में क्यों खरीदने होंगे। वही वाली चीज हो गई कि 10,400 आप फोरगो कर दोगे, आपका लॉस जो होगा 115 रुपये जो प्रीमियम आपने पे किया वो आपका लॉस हो गया। ठीक है, अगर निफ्टी 10,615 पे क्लोज होता है तब तो आप एक्सरसाइज करोगे, क्यों, क्योंकि 10,500 के ऊपर है। 10,615 पे जब आप बेचोगे तो आपको कितना रुपया आएगा, 115 रुपया आएगा। आपने प्रीमियम कितना पे किया था, 115 रुपया पे किया था, तो नेट नेट आपको कुछ भी नहीं आया। सो 615 इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपने प्रीमियम पे किया प्लस द स्ट्राइक प्राइस इज ऑलवेज योर ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का अगर कैलकुलेशन आता है एग्जाम में तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपने प्रीमियम पे किया है प्लस द स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन बाई की केस में वो होगा आपका ब्रेक इवन। ठीक है, तो इफ निफ्टी वेयर टू क्लोज एट 11,000 यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन बाई द निफ्टी एट 10,500 यू विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 385 रुपीज। क्यों, क्योंकि 500 रुपया ऊपर आपने उसको सेल किया है और 115 रुपये आपका प्रीमियम लगा था, तो 385 रुपीज आपको प्रॉफिट आया। ठीक है, अब इसका पे ऑफ स्टार्ट देख लेते हैं। अगर निफ्टी एक्सपायर होता है 10,200 पे तो आप प्रीमियम कितना पे करोगे, 115 रुपये पे करो, जो आपने पे किया वही आपका लॉस होगा मैक्सिमम। 200 पे भी सेम केस, 500 पे भी सेम केस, 600 पे भी सेम केस, बट वहां पे आपका लॉस कितना होगा, आपने निफ्टी बाई किया 10,500 पे, सेल किया 10,600 पे। ठीक है, तो आपका प्रीमियम में लॉस आएगा मान लो सिर्फ 15 रुपए का। 10,700 पे एक्सपायर अगर एक्सपायर होता है तो आप कितना पे राइट एक्सरसाइज करोगे, 10,500 पे, और आपको सेल कितना पे करना है, 10,700 पे आप सेल कर रहे हो, 85 रुपीज पॉजिटिव पे ऑफ। ये पे ऑफ बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा। कॉल ऑप्शन के केस में हमने क्लियर बताया कि बायर हमेशा बुलिश मार्केट चाहता है कॉल बायर, ताकि मार्केट जितना ऊपर जाए उसको प्रॉफिट आते जाए। इसका पे ऑफ चार्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए 10,615 जहां ये क्रॉस कर रहा है वहां उसका पॉजिटिव पे ऑफ आ रहा है, और जैसे ही 10,615 के नीचे ये रह रहा है इसको नेगेटिव पे ऑफ रह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू 115 रुपीज जो उसने प्रीमियम पे किया। ये चार्ट ध्यान में रखिएगा तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो 75 का लॉट साइज हमने बताया था, 10,500 इंटू 75 ये होगा आपका लॉट साइज। ठीक है, अब मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो 115 इंटू 75 ये आपका मैक्सिमम लॉस होगा 8,625 रुपीज। अब निफ्टी 10,675 615 के ऊपर जैसे ही जाता है तो उसको जितना ऊपर जाएगा उतना 75 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका कैलकुलेशन आते जाएगा। सेम केस में शॉर्ट कॉल, सारा एग्जांपल सेम रखते हैं। सेलर को क्या होगा, प्रीमियम मिलेगा राइट, तो एक सेकेंड, हाँ तो ये शॉर्ट कॉल है। ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे आपको कितना मिला है, -115 रुपीज आपको मिला है, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, और अगर मार्केट 10,200 पे एक्सपायर होता है तो उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने जो 115 रुपीज लिए वो पूरा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप तो सस्ते में खरीद के मार्केट में सेल ऑफ कर दोगे ना, तो वो पूरा 115 रुपये आ जाएगा। बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जा रहा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो फिक्स थी 115, बट आपका लॉस बढ़ते जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि सेलर हैज ए मैक्सिमम रिस्क बट लिमिटेड रिवॉर्ड, और ऑप्शन बायर हैज ए लिमिटेड रिस्क बट मैक्सिमम रिवॉर्ड। ठीक है,
तो इस तरीके से पे ऑफ कैलकुलेशन बनेगा। चार्ट देख लेते हैं। मार्केट जब तक नीचे रहेगा 615 से, इसको पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा टू लिमिटेड टू 115 रुपीज ऑफ द प्रीमियम। बट जितना ऊपर जाते जाएगा ऑप्शन सेलर को लॉस होते जाएगा, क्योंकि कॉल की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आपने कोई चीज 115 में बेचा है उसकी वैल्यू 500 रुपये हो गई, तो उतना तो आपका लॉस ही होते जा रहा है ना, वही चीजें यहाँ पे। अब लॉन्ग पुट सेम एग्जांपल इन लोगों ने दिया है, प्रीमियम दिया है 160 रुपीज, ठीक है। पुट पुट के केस में आपको प्रॉफिट कब आएगा, जब बाजार नीचे जाता जाएगा, राइट। आपने प्रीमियम पे किया 160 रुपीज, लॉन्ग है ना, हाँ यस लॉन्ग है। तो आपने प्रीमियम पे किया 160 रुपीज। अब मान लीजिए कोई आपने कोई चीज बेचा था 10,500 पे 160 रुपीज के प्रीमियम में, अब मार्केट में लेवल चल रहा है 9,700, मतलब आप नीचे में खरीद सकते हो। आपने नीचे में एक्सरसाइज किया क्योंकि आपके पास राइट टू एक्सरसाइज है, राइट टू सेल है। तो ये जो डिफरेंस आएगा 9,700 माइनस 10,500 माइनस 160 जो आपने प्रीमियम पे किया, ये आपका प्रॉफिट है। जितना नीचे जाते जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, ठीक है। 10,500 पे अगर एक्सपायर होगा तो आपने चूंकि 160 रुपीज प्रीमियम पे कर दिया था, अब आपका पुट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्ट्राइक प्राइस था, आपका 10,500 का स्ट्राइक प्राइस था, तो वो स्ट्राइक प्राइस पे आपने बेचा था, अब वो उसी प्राइस पे एक्सरसाइज हो रहा है, तो आपका ऑप्शन का वैल्यू टेक्निकली हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये लॉन्ग पे ऑफ एंड ऑफन पे ऑफ एंड ऑफन लॉन्ग पुट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको जितना मार्केट ऊपर जाते जाएगा आपका प्रीमियम जो है वो आपका लॉस हो गया, बट जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होते जाएगा। अब इसी तरह शॉर्ट, शॉर्ट में क्या होता है, प्रीमियम रिसीव होता है, राइट। तो अगर 10,500 का आपने पुट ऑप्शन बेचा है तो आपको 160 रुपीज प्रीमियम आया है, बट अगर मार्केट देखिए 9,700 पे चला गया तो 800 रुपीज यहाँ पे लॉस हो रहा है आपका। 10,500 माइनस 800 रुपीज, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। आपको प्रीमियम कितना मिला था, 160 रुपीज मिला था, तो आपका नेट में लॉस हो रहा है 640 रुपीज। बट मार्केट जितना ऊपर जाते जाएगा तो आपको प्रीमियम कितना आ रहा है, 160 जो आपको आ गया वही आपका प्रॉफिट है। तो अगेन ऑप्शन सेलर है यहाँ पे, उसको लिमिटेड आपको वो आएगा, कैश फ्लो आएगा, बट उसका लॉसेज अनलिमिटेड हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसको प्रीमियम उसका फिक्स्ड हो गया प्रॉफिट, बट जितना नीचे जाते जा रहा है मार्केट उतना इसका लॉस बढ़ते जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पे चार्ट में समराइज की हुई है। ये चार्ट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। बेयरिश मार्केट में किसको प्रॉफिट होता है, पुट बायर को प्रॉफिट होता है, कॉल सेलर को प्रॉफिट होता है। बुलिश मार्केट में पुट सेलर को प्रॉफिट होता है, कॉल बायर को प्रॉफिट होता है। ओपनिंग ए पोजीशन, देखिए ओपनिंग ए पोजीशन का बेसिकली मतलब क्या होता है ना, कोई एक आपने नया पोजीशन बनाया, या तो आप परचेज करके बना सकते हो या सेल करके बना सकते हो। तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, आप या तो बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। कॉल खरीदना या पुट खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लोजिंग ए पोजीशन मतलब जो पोजीशन आपकी थी उसको आप स्क्वायर अप करते हो। अगर आप बाई करके रखे थे तो आप सेल कर देते हो, आप सेल करके रखे थे तो उसको बाई कर लेते हो, वो हो गया आपका क्लोजिंग ऑफ पोजीशन। लेवरेज देखिए होके क्या रखा है ना, कि आप तो छोटा सा एक प्रीमियम पे करते हो, राइट, बट कॉन्ट्रैक्ट तो इतना बड़ा है। एक तो लॉट साइज 75 होगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10,500 इंटू 75 करके निकालोगे 7,80,000 कुछ रुपए आएगा। तो ये हो गया आपका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होने का कारण, ठीक है। अब यहाँ पे आप 865 रुपीज का प्रीमियम पे कर रहे हो लॉन्ग कॉल के लिए या 12,000 पुट कॉल के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो आप 8 लाख का। ये इसी कारण होके क्या रखा है ना, कि इस तरीके का मार्केट बन गया है आपका, क्या नाम है इसका, मार्केट में लेवरेज पोजीशन इसको ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है और ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड गेन आ सकता है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग जो रहेगा उसको प्रीमियम जो पे करेगा वही उसका रिस्क है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है, और शॉर्ट जो रहेगा उसका रिस्क है अनलिमिटेड बट प्रीमियम रिसीव्ड उसका रिटर्न रहेगा। इसको मैं यहां पे आपको समझाता हूँ, हु पेज व्हाट एंड गेट्स व्हाट, ठीक है। कॉल में बायर पे करेगा प्रीमियम, सेलर करेगा अपना मार्जिन ब्लॉक। पुट में बायर करेगा प्रीमियम पे, सेलर का मार्जिन ब्लॉक होगा। कॉल साइड में बायर को मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है,
सेलर को मिलेगा प्रीमियम पुट साइड में, पुट ये बायर को मिलेगा कुछ भी नहीं और सेलर को मिलेगा प्रीमियम, ठीक है। तो लॉन्ग साइड में अगर आप हैं तो आपने जो प्रीमियम पे किया है वही आपका रिस्क है, रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है। शॉर्ट में रिस्क अनलिमिटेड है बट प्रीमियम रिसीव्ड आपका प्रॉफिट है। और ये मत सोचिएगा कि तब बाजार में बेचेगा कौन, मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहते हैं, अगर पैसे रहेंगे तो लोग ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहेंगे, कोई भी ऑप्शन बाइंग करना प्रिफर नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज लोगों के पैसे कम होते हैं इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग में प्रिफर करते हैं। बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन गीक्स, देखिए क्या है, हमने जो ऊपर कैलकुलेट किया कॉल ऑप्शन 150, पुट ऑप्शन 160, ये प्राइस कैसे आएगा, राइट। प्राइस कभी भी एक्सचेंजेस या सेबी फिक्स नहीं करती है, वो ओपन मार्केट में छोड़ा होता है बाइंग या सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो बाइंग और सेलिंग लोग आपस में म्यूचुअली बाइंग और सेलिंग ऑर्डर प्रेशर के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि किस लेवल पे बाई होगी किस लेवल पे सेल होगा, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बायर्स और सेलर्स को मीट करने के लिए, दोनों लोग बाई को लगा रहा है कोई सेल लगा रहा है, तो प्राइसिंग कौन डिटरमाइन करेगा, प्राइसिंग क्या डिटरमाइन होता है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखिए ऑप्शन प्राइस, देयर आर फाइव फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच ऑप्शन प्राइस डिपेंड्स। एक तो स्पॉट प्राइस, आज मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 10,600 पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, आपने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, आपने 14,000 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्राइसिंग क्या होगी। वॉलेटिलिटी मार्केट में, वॉलेटिलिटी कितनी है मतलब मार्केट कितना ज्यादा मूव कर सकता है। टाइम टू एक्सपायरी, मान लीजिए आपने बस अभी अप्रैल एक्सपायरी का लिया है तो 29th को एक्सपायरी है, आपने वीकली एक्सपायरी लिया 22nd को एक एक्सपायरी है, ठीक है। और मान लीजिए आपने एक साल लंबा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने एक साल बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट, बाजार में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो जितना टाइम रहता है उतना दिन पैसे ब्लॉक रहते हैं इसलिए उतना इंटरेस्ट रेट भी लगता है। तो अमेरिकन ऑप्शन होगा या यूरोपियन ऑप्शन होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा कि रेट कैसे होगा। हमारा चूंकि यूरोपियन ऑप्शन होता है तो हम यूरोपियन ऑप्शन ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो अब स्पॉट प्राइस, देखिए ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय द प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। जितना आपका स्पॉट प्राइस हिलेगा उतना आपका प्रीमियम हिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद वही चीज है कि जैसे जैसे आपका अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू जाता जाएगा तो कॉल ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ते जाएगी, या अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू गिरते जाएगा तो पुट ऑप्शन की प्रीमियम आपकी बढ़ते जाएगी, तो वो चीज हो गया। स्ट्राइक प्राइस, इफ ऑल फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट बट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इंक्रीजेस, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन विल डिक्रीज, हिंस इट वैल्यू विल ऑल्सो डिक्रीज। मतलब अगर मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन है, जितना ऊपर आप जाते जाएंगे ना उतना आपका इंट्रेंसिक वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें टेक्निकली आप बस खाली एक होप लगा रहे हो इतना ऊपर जाएगा, राइट। तो हो सकता है उतना ऊपर ना भी जाए इसलिए उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना पुट ऑप्शन में आप जितना नीचे जाते जाओगे उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग प्राइस एट सेट। मान लीजिए निफ्टी में वॉलेटिलिटी, एवरेज वॉलेटिलिटी 1% पर डे है, तो मैक्सिमम वो 1% भाग सकता है। अगर वॉलेटिलिटी 3% की आ जाएगी तो वो ज्यादा उसकी प्रीमियम रहेगी, क्यों, क्योंकि ज्यादा वो मूव करेगा। तो जिसे हमने अपने पहले भी डिस्कस किया ऑप्शन प्राइसिंग में, हायर द वॉलेटिलिटी हायर द प्रीमियम, लोअर द वॉलेटिलिटी लोअर द प्रीमियम। अब टाइम टू एक्सपायरी, जितना एक्सपायरी में टाइम बचा रहेगा ना उतना ज्यादा आपका प्रीमियम बढ़ते रहेगा, क्यों, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा रहेगा। मैंने क्या बताया था चिप्स और पैकेट के एग्जाम्पल में कि जितना आपका टाइम बचा हुआ है, ठीक है, जितना आपका टाइम बचा हुआ है उतना आपका हवा उसमें भरा हुआ रहेगा। जैसे ही आप पैकेट को धीरे धीरे खोलते जाओगे हवा कम होते जाएगा, वही चीज है कि जितना टाइम रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू रहेगा। इंटरेस्ट रेट, देखिए इंटरेस्ट रेट क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कैसा है ना कि जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न ना आए तो उनको सेल करके क्या फायदा होगा, सेल कर रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन ब्लॉक कर रहे हैं, उस मार्जिन को वो अगर बैंक में रख देंगे एफडी में तो 5% साल का तो आना है, राइट। तो वो 5% से ज्यादा अगर उनको रिटर्न नहीं आता तो उनको ऑप्शन सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो
तो इंटरेस्ट कॉस्ट का वहां पे वैसा इंपैक्ट आता है। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल देखिए, एक बाइनोमियल मॉडल होता है, एक ब्लैक-स्कोल्स मॉडल होता है, ठीक है। बाइनोमियल मॉडल आज के डेट में यूज नहीं होता है, और ब्लैक-स्कोल्स मॉडल यूज होता है, और इससे थ्योरेटिकल प्राइस निकाला जाता है। हाउएवर मतलब जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होती है उससे लोग दोनों प्राइसेस निकालते हैं, ये कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट मानता है, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल और बाइनोमियल मॉडल सारे फैक्टर्स को वेरिएबल मानता है, और सारे का कैलकुलेशन बिठा के वो बनाता है बाइनोमियल मॉडल। और ब्लैक-स्कोल्स क्या करता है, ब्लैक-स्कोल्स बहुत सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखता है और बहुत सारी चीज़ों को वो फिक्स मान के रखता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, इन द सेंस कि ये काफी लेंदी होता है कैलकुलेट करना और टाइम कंज्यूमिंग होता है, हो सकता है उस समय तक प्राइस निकल जाए। अब ब्लैक-स्कोल्स मॉडल, देखिए ब्लैक-स्कोल्स मॉडल क्या हुआ था कि 1973 में पब्लिश किया गया था फिशर ब्लैक एंड मार्लियन स्कोल्स के द्वारा। ये थ्योरेटिकल कॉल ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करता है, ये क्या क्या इग्नोर करता है, डिविडेंड इग्नोर कर देता है, एंड ये पांच पैरामीटर्स को लेके चलता है, स्टॉक प्राइस को, स्ट्राइक प्राइस को, वॉलेटिलिटी को, टाइम टू एक्सपायरी को, एंड शॉर्ट टर्म रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। ये इतना कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर एग्जाम में सम्स आता है कि इसके हिसाब से आप प्राइस निकालिए, मैं तो कहूंगा छोड़ दीजिएगा, मत कैलकुलेट करिएगा, दो नंबर के लिए इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सीए फाइनल के एग्जाम में ये 16 नंबर के सम्स आते हैं, तो यहाँ पे दो नंबर में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्सेल टेम्पलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने एक टेम्पलेट रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, तो मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपया, ठीक है, ठीक है, और हमने स्ट्राइक प्राइस इसका लिया है 210 का, टाइम टू मैच्योरिटी हम ले रहे हैं 0.1, मतलब इन ईयर्स देना है तो मैं ले रहा हूँ 0.1 ईयर, ठीक है, और रिस्क फ्री एनालाइज रेट हमारे इंडिया में 5% चलता है, एनालाइज वॉलेटिलिटी मान लेते हैं साल भर में निफ्टी मैक्सिमम 10% मूव कर सकता है, तो ऑप्शन की प्राइस कितनी आएगी, इसमें अभी भी कुछ कुछ फैक्टर्स डालने होंगे, तो ऑप्शन की प्राइस यहाँ तो निकल के नहीं आ रही है, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, मैं आपको ना वो एक्सेल डाल दूंगा वहां पे आपके उसमें, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, बट मैं कहूंगा कि एग्जाम में अवॉइड करिएगा, अननेसेसरी इतना सम्स में दिमाग लगा के फायदा नहीं है। ऑप्शन रिस्क, देखिए ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ऑप्शन प्राइसिंग, ठीक है, सच एज स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम टू मेच्योरिटी, तो ये सेंसिटिविटी को हम ऑप्शन रिस्क कहते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ऑप्शन ये गीक्स पे ना 2 से 3 क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, नॉर्मली ऑप्शन से बहुत सारे सम्स आते हैं, बट ऑप्शन इससे आपके 2 से 3 सम्स आते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अब डेल्टा, डेल्टा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ये क्या मेजर करता है, सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन टू द गिवन स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, मतलब कि मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है वो मूव कर रहा है 1%, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव कर रहा है, वो होता है डेल्टा, ठीक है, तो अंडरलाइंग में जितना चेंज आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन प्राइस पे कितना इंपैक्ट आएगा, वो उसको हम बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाई यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा फॉर एन कॉल ऑप्शन बायर इज पॉजिटिव, डेल्टा फॉर ए पुट ऑप्शन बायर इज नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, इस पर कभी कभी घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज एज द शेयर प्राइस राइजेज, मतलब कि जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ते जाएगा तो आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ते जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे आपका मार्केट गिरेगा तो आपका ऑप्शन का सॉरी आपका ऑप्शन का प्रीमियम गिरते जाएगा, सॉरी मार्केट गिरेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ते जाएगा, तो हमेशा चेंज इन कैलकुलेशन हमेशा नेगेटिव में उसको लेके चलेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव मार्केट बढ़ने पे आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम घटता है अगर मार्केट गिरता है तो। गामा इट मेजर्स द चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। मतलब पहले आप डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा कितना चेंज हो रहा है इन चेंज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो ऑप्शन डेल्टा चेंज डिवाइडेड बाई चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। तो ऑप्शन डेल्टा निकालना आपको आ गया। ऑप्शन डेल्टा आप कैसे निकालेंगे? चेंज इन द ये चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाई चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। और यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा में जो चेंज आएगा वो आप निकालेंगे गामा वहां से। थीटा सेंसिटिविटी टू द टाइम डिके, जितना टाइम डिके होते जाएगा उतना आपका ऑप्शन प्रीमियम घटते जाएगा। ये हो गया मेजर ऑफ चेंज। तो थीटा इज चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम विद चेंज इन द टाइम टू एक्सपायरी। मतलब अगर आपका एक दिन टाइम कम हो रहा है तो ऑप्शन प्रीमियम कितना गिर जा रहा है वो आपका होता है थीटा। वेगा क्या होता है? वेगा होता है मार्केट वॉलेटिलिटी से करस्पॉन्डिंग। तो मार्केट वॉलेटिलिटी आपका चेंज इन प्रीमियम कितना हो रहा है और मार्केट वॉलेटिलिटी कितना चेंज हो रहा है। अगर मार्केट वॉलेटिलिटी मान लीजिए 20% से 22% हो गया तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज हो जाएगा, वो हो गया वेगा। और रो क्या हो गया? रो हो गया चेंज इन ऑप्शन प्राइस इज गिवन इन 1% पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना चेंज हो रहा है उसके ऊपर कितना आपका ऑप्शन प्रीमियम चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं रो में। तो रो इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ द अंडरलाइन। अब चलते हैं हमारा यूज ऑफ ऑप्शंस पे, प्रोस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स। देखिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट ट्रेडर नीड्स टू मेक। ट्रेडर ये डिसाइड करता है कि वो इन द मनी में ट्रेड करेगा, एट द मनी में करेगा या आउट ऑफ द मनी में करेगा। ये उसका खुद का चॉइस होता है वो किस में ट्रेड करना चाहता है, राइट। अदर अदर थिंग्स में क्या क्या रहेगा? ये तीनों ऑप्शंस वो जो डिसाइड करेगा ना उसको सोच समझ के लेना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों रहती है, ठीक है। डीपली इन द मनी इंट्रेंसिक वैल्यू विल बी हायर सो द ऑप्शन प्रीमियम विल बी हायर। इन केस ऑफ एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नो इंट्रेंसिक वैल्यू बट ओनली टाइम वैल्यू, हिंस दीज ऑप्शन विल रिमेन चीपर। मतलब कि अगर आप इन द मनी का ऑप्शन लेते हैं तो उसका प्राइस हमेशा हाई रहेगा। हाउएवर आप आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का रहेंगे तो उसका प्राइस कंपेरेटिवली चीपर रहेगा, और जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना आप सस्ता होते जाएगा। बट आप बोलोगे सर तो आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं खरीदे? देखिए आउट ऑफ द मनी अगर कोई सेल कर रहा है तो वो कुछ सोच के ही सेल कर रहा है ना, उसको मालूम है वो प्रीमियम उसको घर पे ही आना है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एट द मनी ऑप्शन द अनसर्टेनिटी इज हाईएस्ट कंपेयर टू इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, बिकॉज एट द मनी आप ट्रेड करोगे वो कब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा कब इन द मनी हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एट द मनी इवन ए स्मॉल प्राइस मूवमेंट विल इन आइदर डायरेक्शन कैन टिप ऑप्शन फ्रॉम एट द मनी टू इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। मतलब कि थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट के कारण ये हो सकता है इन द मनी भी चला जाए आउट ऑफ द मनी भी चला जाए, तो उसके कारण सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी रहता है एट द मनी ऑप्शन पे। बायस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से एक देख लेते हैं। तो हमने स्पॉट प्राइस देखा कि 10,460 पे चल रहा है, कॉल ऑप्शन हम लेते हैं 10,300 400 500 600 का, एंड कॉल ऑप्शन बायर विल बाई द ऑप्शन एंड पे द प्रीमियम अप फ्रंट, ठीक है। तो 10,300 का प्रीमियम चल रहा है 170 रुपीज, 460 पे मार्केट है, 400 का चल रहा है 115, 500 का चल रहा है 72, 600 का चल रहा है 34। जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना सस्ता होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 10,300 में आपका टाइम वैल्यू कितना है? 10 रुपये है सर। अब मान लीजिए अब यहाँ पे एक्सपायरी लेवल दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है। अगर मान लीजिए 10,800 एक्सपायरी होती है तो 10,300 वाले का ऑप्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा? 330 रुपीज हो जाएगा, बिकॉज 460 पे मार्केट था, ठीक है। तो प्रीमियम उसने कितना पे किया था? प्रीमियम उसने पे किया था 170 रुपीज। तो ये जो 10,800 माइनस 10,300
ये आ गया आपका 500 रुपीज, प्रीमियम इसने पे किया 170 रुपीज, तो वो लेस कर दीजिए आप, तो 330 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। 400 पे यही प्रॉफिट 285 का आएगा, 500 पे यही 228 का आएगा। कैसे हो रहा है ये कि देखिए 72 रुपीज उसने प्रीमियम पे किया, उतना तो उसका लॉस लग गया। जब तक उस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, जैसे 600 पे आया, 500 का प्रीमियम, 572 इसका ब्रेक इवन हुआ। अगर 10,600 पे आया तो 28 रुपीज प्रॉफिट आया, बट 72 रुपीज तो उसने पे कर दिए थे ना, तो वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो 72 रुपीज एडजस्ट करने के बाद इसका आया 28 रुपीज ही, तो नेट में इसका लॉस ही आया। जितना आप आउट ऑफ द मनी रहेंगे ना, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस कम होता जाएगा। तो कॉल ऑप्शन बायर का ये पे ऑफ चार्ट बना। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, तो 10,700 पे अगर जाएगा तो 170 रुपीज का प्रीमियम, इसका 230 रुपीज इसको रिटर्न आ रहा है, तो इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 135% हो रहा है। 400 पे आपको कितना हो रहा है, 161% हो रहा है। जितना आप दूर जाते जाएंगे ना, उतना आपको रिटर्न ऑन ऑप्शन ज़्यादा आएगा। हाउएवर वहाँ पे प्राइस पहुँचना चाहिए, अगर पहुँचा ही नहीं तो अब ये सेलर के केस में देखिए प्रीमियम आते जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी इतनी आ गई, बट लॉसेज आपके जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही आएगा। तो वही चीज़ हो गई, बार बार उसी को रिपीट कर रहा है ये। पुट में एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें मुझे समझाने कुछ लग नहीं रहा, अननेसेसरी वीडियो लंबी हो रही है और कुछ इस पे निकल के आ नहीं रहे, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा इसका एग्जांपल। समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं, वही चीज को 10 बार घुमाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।